उच्च माध्यमिक विद्यालय परहट में वीडियो की अध्यक्षता में शिक्षा संवाद कार्यक्रम संपन्न। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय परहट के प्रांगण में सिंघिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार शक्तिधर की अध्यक्षता में आज शुक्रवार के दिन शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित छात्रों उनके अभिभावकों को उक्त पदाधिकारी ने जागरूक करने का काम किए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से 12वीं उत्तीर्ण सभी कोटि के अविवाहित छात्रा को 25,000 रुपये सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। स्नातक पास अविवाहित छात्रा को 50,000 रुपये सरकार देती है। वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से शादीशुदा छात्रा को 5,000 रुपये देती, इंटर पास अविवाहित लड़की को 25,000 रुपये तथा अविवाहित छात्रा को मात्र 5,000 रुपये सरकार देती है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार की जानकारी उपस्थित लोगों को दिए। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधान विष्णुदेव बैठा के अलावा अन्य कई लोग उपस्थित थे। जाति जनजाति के बालिका को 15,000 और फर्स्ट डिवीजन से पास करने के बाद सेकंड डिवीजन से पास करेंगे तो 10,000 रुपए जीबीडी के नाम से पढ़ाई कर रहे हैं, उतना ही समय दे रहे हैं तो उसको पढ़ाई को थोड़ा बेहतर ढंग से कर लेंगे तो फर्स्ट डिवीजन से आप पास कर लेंगे। पैटर्न भी परीक्षा का सिलेबस का बदल दिया गया है, जो भी बच्चा थोड़ा सीरियस पढ़ाई करता है उसका प्रथम श्रेणी आना निश्चित रहता है। अब एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण सभी कोटि के अविवाहित छात्राओं को मतलब 25,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है और आवेदन मेधा स्वच्छ पोर्टल पर छात्राओं को निबंधन किया जाता है। मतलब 12वीं कक्षा अगर जो भी बालिका या छात्रा पास कर जाती है और उसकी शादी नहीं हुई रहेगी उसको 25,000 रुपए मिले। इसमें ये नहीं कि फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन, कोई डिवीजन से पास कीजिएगा लड़की हो और वो शादी उसकी नहीं हुई रहेगी तो उसको 25,000 रुपए खाते मिलेगा। और एक और योजना है इसके अंतर्गत स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के अविवाहित छात्राओं को 50,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से मिलता है। दो साल है जो स्नातक का परीक्षा पास करिए मतलब बीए या बीएससी जो भी पास करना है और शादी नहीं हुआ रहा चाहिए उस छात्रा का तो उसको 50,000 रुपए सरकार के तरफ से मिलेगा और वो मिलेगा तो आप पोर्टल पर उसका आवेदन दिए। और इसी में एक और योजना है आपको बता देते अगर आप इंटर पास किए और ग्रेजुएशन किए और शादी हो जाएगा तो उसके लिए भी एक योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, उसमें 5,000 रुपए। तो इसलिए कौन योजना का लाभ लेना है अगर अभिभावक अपने बच्चों का शादी नहीं करते हैं बच्चियों को प्रोत्साहित करते हैं तो उनको मिलेगा। अगर इंटर पास करेगी लड़की और अविवाहित रहेगी तो उसको 25,000, अगर उसके बाद स्नातक कर लेती है तो उसको 50,000 रुपए सरकार देगी। अगर आप चाइल्ड मैरिज या इंटर में ही शादी कर देंगे तो आपको मात्र 5,000 रुपए मिलेगा ब्लॉक से। तो आप स्वतंत्र हैं, आप जो करना चाहें। मिशन शक्ति कार्यक्रम, इसके तहत कक्षा 3 से 8 के ऐसे सभी बच्चों को चिन्हित करना है जो धारा प्रवाह लिख बोल नहीं सकते हैं, जिनके मौलिक गणित का कमी है, ज्ञान का कमी है और अंग्रेजी वर्णमाला के जानकारी का अभाव। ऐसे बच्चों को आपके विद्यालय में भी चिन्हित किया गया होगा जो अपने ऊपर के कक्षा में चले गए लेकिन उनको न हिंदी बढ़िया से समझ में आ रहा है न अंग्रेजी और न ही गणित का ज्ञान, तो वैसे बच्चों को सक्षम बनाने हेतु 3:30 से 5 बजे तक मिशन कक्षा विशेष कक्षा का आयोजन किया जाता है और ताकि वो बच्चे जो है मुख्य धारा के बच्चों के साथ आ सके। विशेष कक्षा वर्ग 10 और 12, इसके लिए देखिए पहले 10वां या 12वां का परीक्षा का फॉर्म भर देते थे तो उसके बाद आप अपने घर में पढ़ाई करते थे, विद्यालय से आपका संबंध केवल प्रवेश पत्र लेने तक रह जाता था, आकर एडमिट कार्ड लिया जाकर परीक्षा दिए। अब सरकार ने ऐसे सभी सेंटर छात्र छात्राओं